सर बैंक ने हमें क्लियर कर दिया और हम एमओयू साइन करने के लिए तैयार हैं। मुबारक हो बॉयस, हमें और बैंक्स को भी अब ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। हमारी फर्म शुरू से पार्क एवेन्यू के साथ काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, इसलिए मेरा और पार्क एवेन्यू का शुरू से स्टांस क्लियर रहा है। हमने मार्केटिंग और सेल से पहले ही पूरी सोसाइटी का एलडी अप्रूवल हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट 100% एलडी अप्रूव्ड है। एलडी अप्रूवल के लिए हमने 12 सरकारी महकमों से एनओसीज हासिल किए हैं, जिनमें लेस्को, टीपा, वासा वगैरह शामिल हैं। इन एनओसीज का एंड यूजर को फायदा ये होता है कि सोसाइटी के तमाम काम एलडीए की मर्जी के मुताबिक होते हैं। मिसाल के तौर पर नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंट्स को बिजली मेन लाइन की बजाय प्राइवेट जनरेटर से फराहम की जाती है, जिससे क्लाइंट को 3 गुना ज्यादा बिल आता है। इसलिए क्लाइंट को चाहिए कि वो जाहिरी चमक धमक को अवॉइड करें। एज ए लॉयर एंड एज ए मदर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ कि लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गम और खुशियाँ जिंदगी का हिस्सा होती हैं। एज पार्क एवेन्यू बीटीएन एंड ए लॉयर हमारी ये कोशिश है कि अगर आपका कोई लव्ड वन दुनिया से चला जाता है तो आपको प्रॉपर्टी का इंतकाल कराने में मुश्किल पेश ना आए। जो प्लॉट हमारा क्लाइंट अपनी जमा पूंजी से खरीदे वो उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की जायदाद और एसेट बन जाए। आज हम अपनी लीगल स्टैंडिंग के लिए इतनी एफर्ट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि कल आपकी जायदाद आपकी आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे।